नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आप रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर शहर में डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर युवक कांग्रेस का मनपा में जोरदार प्रदर्शन। डेंगू के लिए मनपा सत्ता पक्ष और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी देकर मांगी गई फिरौती। सक्करदरा पुलिस स्टेशन में मामला आया सामने। और देश के पूर्व सर न्यायाधीश शरद बोबड़े ने किया संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के निवास का दौरा। गोपनीय रखा गया था दौरा। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर युवक कांग्रेस ने डेंगू के मुद्दे पर बुधवार को नागपुर महानगर पालिका कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इस दौरान युवक कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष वसीम खान ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप के लिए मनपा सत्ताधारियों को दोषी ठहराते हुए महानगर पालिका के सामने जोरदार नारेबाजी की। वहीं युवक कांग्रेस का प्रदर्शन यही नहीं रुका, जो महापौर कार्यालय में जाकर भी उसी हंगामे की भेंट चढ़ा, जिसके लिए युवक कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। अरे आ जाओ ना रे, आज का जो हमारा विषय है, हम महापौर ऑफिस में आए जो डेंगू से आज आम नागरिक नागपुर के त्रस्त है। अभी नागपुर में कल का आप अपडेट देखेंगे, 61,273 घरों में नागपुर का डेंगू का वो मिला है, अंडे मिले हैं। आज हर दसवां घर छोड़कर, नागपुर के हर दसवां घर छोड़कर डेंगू पीड़ित लोग है। आज नागपुर शहर में 600 से ऊपर घर डेंगू की चपेट में है। तो मानापा क्या सो रहा है? आज एक भी जोन में फॉग मशीन अवेलेबल नहीं है, कोई मोहल्लों में दवाई छिड़क ही नहीं जा रही है। पहले ही कोरोना से त्रस्त है नागरिक, आम नागरिक, और यहाँ डेंगू से पीड़ित है। डेंगू की महामारी ऐसी फैली है कि 1200 रुपये एक चार्ज का डेंगू का लिया जा रहा है, और गरीबों के घर में डेंगू 1200 रुपये कौन देगा? वैसे ही लोग कोरोना से त्रस्त है, और महापौर यहाँ कोई जवाब नहीं दे रहे, मानपा अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। इन लोगों को आम नागरिक का कोई भी इनको आम नागरिक की फिक्र नहीं है, लेकिन हमको महापौर की भी फिक्र है, और हम यहाँ के अधिकारियों की, मानपा अधिकारियों को भी फिक्र है। इसलिए हम यहाँ मानपा में आज फॉग मशीन और दवाई छिड़कने आए हैं कि महापौर होश में आ जाइए, नहीं तो और तीव्र आंदोलन किया जाएगा, हम रोड पे आ जाएंगे। नागपूर शहर माननीय महानगर पालिकेचे जे महापौर आहे यांचा आवाज आहे का आता? अरे नागपुर की जनता को जवाब। नागपुर के सक्करदरा पुलिस की टीम ने फिरौती लेने के मामले में एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एक छात्र के न्यूड फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी कई दिनों से छात्र से पैसे ऐंठ रहा था। हद तो तब हो गई जब मोटी रकम ऐंठने के चक्कर में आरोपी छात्र के घर में पहुंच गया और उसके परिजनों से ही 50,000 की फिरौती की मांग करने लगा। सक्करदरा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फिरियादी सक्करदरा निवासी विशाल पाटिल है। विशाल पेशे से दत्तात्रेय नगर में लॉन चलाते हैं। फिरियादी का 20 वर्षीय बेटा सुधांशु है, जो कि बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है। सुधांशु की पहचान 1 मई 2021 को इंस्टाग्राम पर तन्वी नामक युवती से हुई थी। तब तन्वी ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिसे सुधांशु ने एक्सेप्ट किया था, जिसके बाद उनकी आपस में बातचीत शुरू हुई थी। तन्वी ने सुधांशु को उसके कुछ न्यूड फोटोज मोबाइल द्वारा भेजने के लिए कहा था, और तब छात्र ने उसे अपने न्यूड फोटो भेजे भी थे। कुछ दिन बाद ही छात्र के मोबाइल पर एक आरोपी का फोन आया, जिसमें उसने छात्र को उसके न्यूड फोटो उसके पास होने की बात बताई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मांग की। आरोपी ने छात्र से समय समय पर 1,000, फिर 1,500, फिर 5,000 और फिर 6,000 रुपये भी लिए।
आरोपी 22 वर्षीय रौनक प्रभु वैद्य प्लॉट नंबर 29 पिपला फाटा चौक हुडकेश्वर निवासी है। ज्यादा पैसे मिलने के लालच में ही आरोपी एक दिन छात्र के घर पहुंच गया और उसके पिता व भाई को छात्र के न्यूड फोटो दिखाकर कहा कि वह उसकी चचेरी बहन के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करता है। साथ ही छात्र के परिजनों से 50,000 रुपये की फिरौती की मांग भी की। फिरियादी ने तब पैसे नहीं होने की बात कर उसे दूसरे दिन अपने ऑफिस में पैसे लेने के लिए बुलाया और इसकी शिकायत पुलिस से कर दी। अगले दिन जब आरोपी पैसे लेने के लिए ऑफिस में पहुंचा तो पुलिस ने छापा मारकर पैसे लेते हुए उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है जहां कोर्ट ने उसे 2 दिन के पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। पुलिस स्टेशन सकरदरा थे दिनांक 31/8/21 रोजी अपराध नंबर 435/21 कलम है 62384 आणि त्याच्यामध्ये 66 ही देखील वाढ केलेली आहे आज रोजी। तर फिर्यादी आहे विशाल सुधाकर पाटील फ्लॅट नंबर 23 दत्तात्रय नगर पोलीस स्टेशन सक्करदरा अंतर्गत येतात। यातील फिर्यादीचे मुलगा पीडित मुलगा आहे सुधांशु त्याला त्याचे काही दिवसापूर्वी इंस्टाग्रामवर तन्वी नावाच्या मुलीशी मैत्री झाली होती। त्यानंतर त्यांनी त्यांचे बोलणं वगैरे सुरू झाले चॅटिंग सुरू झाले त्याच्यानंतर त्यांचे मोबाईल नंबर देखील त्यांनी हे केलेले आहेत एक्सचेंज केले। त्यानंतर त्यांनी वेळोवेळी मैत्रीचे मैत्रीसंबंध प्रस्थापित झाले प्रेम प्रकरण वाढले आणि त्यात आरोपीने त्या फिर्यादीच्या मुलास म्हणजे पीडितास की मुलीचा आवाज काढून त्यांच्याशी वेळोवेळी पैशाची मागणी केली। त्यानंतर त्यांनी त्यांना आपण मला आपले न्यूड फोटो पाठवा वगैरे त्या असं झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी न्यूड फोटो त्यांना पाठवले आरोपीला। त्यानंतर त्यांनी ते न्यूड फोटो मी सोशल मीडियावर हे करेल त्याची पसरवेल आणि त्यानंतर त्याची धमकी देऊन फिर्यादीच्या मुलाकडून वेळोवेळी पैसे घेतलेले आहेत। त्याने असे एकूण करून 5 ते 6,000 रुपये आरोपीला दिलेले आहेत। त्यानंतर त्याने आरोपीने फिर्यादीस 50,000 रक्कम मागितल्यामुळे फिर्यादीचा मुलगा घाबरल्यामुळे त्याने त्याची माहिती त्याच्या वडिलांना सांगितली। त्यानंतर त्यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन सदर घटनेची माहिती देऊन त्याप्रमाणे 62384 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर आरोपितास सुधांशु हॉल आपल्या पोस्टच्या हद्दीमध्ये आहे तिथं ट्रॅप लावून आपल्या पोस्टर डीबी पथकाने त्याला ताब्यात घेतलेले आहे। त्याच्यातील फिर्यादीचा मुलगा आहे पीडित सुधांशु याचे आणि त्याचे बोलणं वगैरे भेटणं कधी झालेलं नव्हतं। त्याचं फक्त ते मुलीच्या आवाजामध्ये आरोपी हा फिर्यादीच्या मुलास बोलत होता त्याचाच गैरफायदा त्याच्यावर गैरफायदा घेऊन त्याने त्याची पुढची कारवाई केलेली आहे। मॅडम नॉरिको ओगावा इनके द्वितीय स्मृति दिन के उपलक्ष्य में कामठी के ड्रैगन पैलेस टेम्पल में विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसकी जानकारी राज्य की पूर्व राज्य मंत्री एडवोकेट सुलेखाताई कुम्बारे ने दी है। सुलेखाताई ने बताया कि ड्रैगन पैलेस टेम्पल में भदंत प्रज्ञा ज्योति व भिकु संघ की ओर से परित्रण पाठ किया जाएगा जबकि बोधगया से लाए गए बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण भी किए जाने की जानकारी सुलेखाताई कुम्बारे ने दी है। विश्वविख्यात ड्रैगन पैलेस टेम्पल चा महागानदात्या जपान येथील महाउपासिका मैडम नोरिको ओगावा यांच्या द्वितीय स्मृति दिनानिमित्त गुरुवार दिनांक 2 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9 वाजता ड्रैगन पैलेस टेम्पल या ठिकाणी प्रमुख भिक्षु संघाच्या उपस्थितीत
महापरित्राण पाठच आयोजन करण्यात आलेले आहे। या प्रसंगी भिक्षु संघाला कठिन चिवरदान व भोजनदान देण्यात येईल। तसेच बुद्धगयावरून दान प्राप्त झालेलं बोधी वृक्षासह वृक्षारोपण सुद्धा ड्रॅगन पॅलेसच्या परिसरामध्ये भिक्षु संघांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे। यासोबतच गरीब विद्यार्थ्यांना पुस्तका व शालेय साहित्याचं वाटप सुद्धा या निमित्ताने आम्ही करणार आहोत। MTDC हॉलमध्ये एक दिवसीय वॅक्सिन लावण्याचं सुद्धा शिबिर आयोजित करण्यात आलेलं आहे। आपल्याला माहीत आहे की ड्रॅगन पॅलेसची निर्मिती ही मॅडम नोरिको ओगावाच्या यांच्या दानातून झालेली आहे आणि आता ड्रॅगन पॅलेस टेम्पल हे शांती मैत्री व मानव कल्याणकारी विचाराचं केंद्र म्हणून जग प्रसिद्ध आहे। लाखोच्या संख्येने बौद्ध बांधव ड्रॅगन पॅलेसला भेट देत असतात। तसेच जपान श्रीलंका थायलंड म्यानमार व्हिएतनाम साऊथ कोरिया श्रीलंका या सर्व देशातील प्रतिनिधीसुद्धा ड्रॅगन पॅलेसला नियमित भेट देत असतात। लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमध्ये गुरुवारी आयोजित या कार्यक्रमाला उपासक उपासिकांनी या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहताना जे काही नियम शासनाने दिलेले आहेत त्या नियमाचं पालन केलं पाहिजे। मास्क लावून सामाजिक अंतर ठेवून या कार्यक्रमाला उपासक उपस्थित राहू शकतात। ओगाव मॅडमच्या स्मृतीला अभिवादन करण्याकरिता ड्रॅगन पॅलेसमध्ये भिक्षु संघ। भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश शरद बोबड़े ने मंगलवार को यहां महल इलाके में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार के जन्मस्थल का दौरा किया। बोबड़े नागपुर से ताल्लुक रखते हैं और अप्रैल 2021 में प्रधान न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद शहर में रह रहे हैं। 23 अप्रैल को न्यायमूर्ति SA बोबड़े सेवानिवृत्त हुए थे। संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि न्यायमूर्ति बोबड़े ने उस घर का दौरा किया जिसे देखने के लिए पूर्व सर न्यायाधीश शरद बोबड़े महल परिसर में पहुंचे थे। बोबड़े नागपुर से ताल्लुक रखते हैं और अप्रैल 2021 में प्रधान न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद शहर में रह रहे हैं। 23 अप्रैल को न्यायमूर्ति SA बोबड़े सेवानिवृत्त हुए थे। संघ के एक पदाधिकारी ने कहा कि न्यायमूर्ति बोबड़े ने उस घर का दौरा किया जिसे देखने के लिए पूर्व सर न्यायाधीश शरद बोबड़े महल परिसर में पहुंचे थे। नागपुर महानगर पालिका के चुनाव OBC आरक्षण के बिना न लिए जाए इस मांग को लेकर 3 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा नागपुर महानगर द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी जानकारी नागपुर में आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। ज्ञात हो कि राज्य में OBC आरक्षण का मुद्दा गर्मा रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू है। ऐसे में महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए कोई दल नहीं चाहता कि OBC आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न हो। इसी कड़ी में अब नागपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा द्वारा 3 सितंबर को आंदोलन किया जाएगा जिसके बाद अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में भी OBC मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किए जाने की जानकारी दी गई है। 25 अगस्त का एक राज्य निवडणूक आयोगाचं एक परिपत्रक आलं जे नवीन वाड्याची परिसीमन आणि मतदाराचे अध्यावत करण्याकरता, परंतु त्यात कुठेही SC ST आरक्षणाचा उल्लेख आहे परंतु OBC आरक्षणाचा कुठेही उल्लेख नाही। जोपर्यंत उच्च न्यायालयाचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत ही स्थगिती आहे। आमची मागणी आहे की जोपर्यंत OBC आरक्षण हे घोषित होत नाही तोपर्यंत या निवडणुका घेण्यात येऊ नये, कारण की या देशामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये 52% समाज हा OBC आहे। त्याला जो मिळणारा फायदा आहे त्या फायद्यापासून ते वंचित राहते। त्यामुळे आमचं भारतीय जनता युवा OBC मोर्चातर्फे त्याच्या विद्यापीठ आम्ही आंदोलन करणार आहोत की त्या 3 तारखेला संविधान चौकातून आमचं मोठं भव्य आंदोलन राहणार आहे। त्यानंतर आम्ही हे आंदोलन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात येणार आहोत, त्यानंतर वार्ड स्तरावर देणार आहोत। जर सरकारने वेळेच्या मुदतीत हा इम्प्रेस डाटा माननीय न्यायालयाला उच्च न्यायालयाला सबमिट करावा, लवकरात लवकर हे आरक्षण पुनरोध करावा अशी आमची मागणी आहे। विधानसभा के नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया को जानकारी देते हुए साफ किया है कि OBC के आरक्षण के सिवा स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव न लिए जाए
इसके अलावा राकेश टिकैत के बदलते बयान पर भी देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता विपक्ष ने और क्या कहा, आइए जानते हैं। अशा गोष्टी बोलण्याची सवय आहे। त्यांचे स्टेटमेंट हे जर आपण बघितले तर ज्या दिवशी आंदोलन सुरू झालं त्याच्या आधीपासून आत्तापर्यंत 15 वेळा त्यांनी बदललेले आहेत। मला असं वाटतं की अशा प्रकारे प्रसिद्धी मिळवून घेण्याचा प्रयत्न यापेक्षा अधिक नाही आहे। त्यांनी या उलट हा प्रश्न सोडवण्याकडे जास्त लक्ष द्यावं। ही अतिशय वाईट अशा प्रकारची घटना आहे, अतिशय दुःखदायक आणि एक प्रकारे राग आणणारी घटना आहे। आणि अशा प्रकारे जर कोणी करत असेल तर त्याच्यावर कडक कारवाई झालीच पाहिजे। कोणाची हिम्मत होता कामा नये अशा प्रकारचा एखादा हल्ला करण्याची। आणि मी खरोखर त्या ज्या अधिकारी आहेत त्यांचं देखील या ठिकाणी एक प्रकारे कौतुक करू इच्छितो की त्यांनी जे स्पिरिट दाखवलेलं आहे ते देखील अत्यंत महत्त्वाचं आहे, परंतु त्यांच्या पाठीशी आता आपल्याला उभं राहायला पाहिजे। इथे लक्ष द्या, अतिशय समाधानाची गोष्ट आहे की श्री नरेंद्र पाटील यांनी पुढाकार घेतला आणि आज माथाडी भवनमध्ये या ठिकाणी माथाडी कामगारांच्या लसीकरणाचं एक कॅम्प सुरू झालेलं आहे। आणि मुळातच आपल्याला माहिती आहे की अगदी बेसिक काम करणारे सगळे लोक आहेत, यांना लसीकरणाची सर्वाधिक आवश्यकता आहे आणि आता त्याची सुरुवात झाल्यामुळे त्याचा निश्चित फायदा होईल आणि हे अविरत कसं चालत राहील याचा देखील आम्ही प्रयत्न करू। मी स्वतः त्यांना सुचवलेलं आहे की अजून 10,000 लोकांचं लसीकरण करण्याकरता मी स्वतः त्यांना मदत करणार आहे आणि हे लसीकरण अजून कसं कंटिन्यू करता येईल असा प्रयत्न आम्ही करू। नाही, आमचं तर अतिशय स्पष्ट मत आहे की OBCचं आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊच नये। या संदर्भात आम्ही फॉर्म्युला देखील सांगितला, ते कसं करता येईल मी अतिशय स्पष्टपणे कायद्याचा अभ्यास करून ते मांडलेलं आहे। सरकारच्या मनात आहे की नाही हे सरकारला ठरवायचं आहे, पण आम्ही मात्र आमची भूमिका ठाम राहणार आहे आणि त्याच्याशिवाय जर निवडणुका घेण्याचा प्रयत्न आला तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू। शरद पवार म्हणतात की भाजपला फायदा होईल अशा कोणत्याही आघाड्या करू नका असं म्हणतात। ठीक आहे, त्यांच्या पक्षाचा तो विषय। अब तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के बजाज नगर पुलिस थाने के प्रताप नगर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर के घर अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर अगस्त 2019 में करीब 20 लाख रुपए से अधिक के माल पर हाथ साफ कर लिया था। तब पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के माल को भी बरामद किया था। मंगलवार को कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आयुक्त के हाथों आरोपियों से बरामद करीब 20,79,000 रुपए के माल को उसके मालिक के हवाले किया गया। बजाज नगर पुलिस थाने के प्रताप नगर रेलवे कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड प्रोफेसर श्रीराम शेंडे के घर पर सेंध लगाकर अगस्त 2019 में अज्ञात आरोपियों ने सोने के 395 ग्राम आभूषणों सहित करीब 20 लाख रुपयों से अधिक के माल पर हाथ साफ किया था। पुलिस ने उस समय इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी अमोल महादेवराव सादगांव फाटा बुट्टीबोरी जिला नागपुर निवासी सहित उसके अन्य साथियों श्रीकांत जीवन निखाड़े कुही निवासी और प्रकाश मारोतराव पंचभाई शेगांव नगर बहादुरा फाटा उमरेड रोड निवासी को गिरफ्तार कर सोने के आभूषणों सहित 20,79,000 रुपए के माल को बरामद कर लिया था। आरोपियों ने इस चोरी के सारे माल को हुड़केश्वर के एक सराफा व्यापारी के पास झूठ बोलकर बेच दिया था, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। फरियादी ने अपना सारा माल वापस लेने के लिए कोर्ट में आवेदन किया था, जिसके बाद कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस आयुक्त के हाथों मंगलवार को इस पूरे माल को फरियादी श्रीराम शेंडे के हवाले किया गया। कोणीस ऑगस्ट महिन्यामध्ये घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला होता, त्याच्यामध्ये जवळपास
400 ग्राम सोनं चोरी गेल्याची कंप्लेंट होती, त्या संबंधाने गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ह्याचा आमच्या तपास पोलीस स्टेशन बजाजनगरचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री महेश चव्हाण सर आणि तपास पथकाचे अधिकारी श्री PSI श्री पराग फुलझेले आणि तपास पथकाचे कर्मचारी यांनी कसोशीने शोध घेऊन ह्याच्यातला घरफोडी करणारा जो आरोपी आहे राऊत अमोल राऊत ह्याला अटक केली होती 1 जानेवारी 2020 आणि त्यानंतर त्याचा सोनं विकण्यामध्ये जो सहकारी होता श्रीकांत जीवन निखाडे आणि प्रकाश मारोतराव पंचेभाई हे त्यानंतर फरार असल्यामुळे त्यांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया चालूच होती. नोव्हेंबर 2020 दोन्ही उर्वरित आरोपी श्रीकांत निखाडे आणि प्रकाश पंचेभाई यांना नमूद घरफोडीच्या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आणि आरोपी प्रकाश पंचेभाई यांनी सदरील चोरीच्या गुन्ह्यातले जे सोन्याचे दागिने होते ते स्वतःचे आहेत अशी बतावणी करून सोनार दुर्गेश सुरपाटणे यांना ते सोनं विकलं होतं. स्वतःच्या तब्येतीच्या उपचाराकरता आणि वडिलांच्या तब्येतीच्या उपचाराकरता सोनं विकायची आवश्यकता आहे अशी सगळी कहाणी ऐकून तर ते सोनं सोनार दुर्गेश सुरपाटणे यांच्याकडनं रिकव्हर करण्यात आलं होतं. प्रोसिजर वाईज माननीय न्यायालयाने ह्याच्यात दखल घेतली होती. हा डिटेक्ट गुन्ह्यामधलं जे सोनं आहे ते फिर्यादी यांना रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी च्या अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कार्यवाही अंती माननीय न्यायालयाने फिर्यादीला सुपूर्द करावे अशी ऑर्डर केल्याच्या नंतर एकूण सोने 395 ग्रॅम आणि कॅश 35,000 असे फिर्यादी यांना आज रोजी माननीय CP साहेब श्री अमितेश कुमार माननीय DCP झोन 1 श्री नरुल हसन साहेब तत्कालीन पोलीस निरीक्षक श्री महेश चव्हाण फिर्या यांच्या उपस्थितीत CP सरांच्या हस्ते हँडओव्हर करण्यात आलेला आहे. राज्य सरकार किसी भी त्योहार के खिलाफ नहीं है बल्कि कोरोना के खिलाफ है. कोरोना कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, उसे रोकने के लिए पूरी दुनिया में जो भी अनुशासन और नियम बताया गया है उसका पालन करना पड़ेगा, ऐसा स्पष्ट कहना है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का. कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्ष को करारा जवाब दिया है. उन्होंने यह कहा कि उनकी सरकार त्योहारों के खिलाफ नहीं कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है. उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने भी इन त्योहारों के दौरान संक्रमण बढ़ने की आशंका व्यक्त की है और राज्य सरकार से सावधानी बरतने के लिए कहा है. कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर गोकुलाष्टमी त्योहार बहुत ही सादगी और सरलता से मनाते हुए आरोग्य उत्सव मनाने का आह्वान मुख्यमंत्री ने किया था. इस उत्सव के प्रतिसाद देते हुए संस्कृति प्रतिष्ठान की तरफ से दही हांडी उत्सव के स्थान पर आरोग्य उत्सव आयोजित करने का फैसला लिया गया. इसके तहत ही प्रताप सरनाइक फाउंडेशन और विहंग चैरिटेबल ट्रस्ट ने आज ठाणे शहर में ऑक्सीजन प्लांट का मुख्यमंत्री श्री ठाकरे के कर्मकलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम उद्घाटन किया गया. आणि मगाशी प्रताप आपण ती शॉर्ट फिल्म दाखवली त्यातली दहीहंडीची जी दृश्य आहे ती स्वप्नभूत वाटतात. मला तेही सगळे उत्सव आठवत आहेत जेव्हा मी आपले बेगे साहेब होते तेव्हाही दहीहंडीसाठी ठाण्यात येत होतो, तुमच्या सगळ्यांसाठी ठाण्यात येत होतो. तो थरार दहीहंडीचा काय असतो, ते उदाहरण दहीहंडीचं काय असतं हे अगदी त्या मानवी मनोऱ्यावरती चढलो नाही तरी तुम्ही बाजूला जे व्यासपीठ बांधायचा त्याच्यावरनं तुम्ही अनुभवलेलं आहे आणि ते सगळं वातावरणच थरारक आणि भारावलेलं असतं. आज एक काही काळासाठी जे मी म्हटलं ते सर्वांना तुम्हाला कल्पना आहे आणि एक 8-10 दिवसापूर्वी आपण जो कार्यक्रम केला होता त्याच दिवशी तुम्ही आजची तारीख माझी घेतली होती. अनेक जण असतात तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख जाहीर करत असतात आणि प्रत्यक्षात मात्र काही करत नाही, पण तुम्ही म्हणजे 15 दिवसापूर्वीच आजची तारीख ही ठरवली आणि ती ही दहीहंडीची तारीख. मला कौतुक एवढ्यासाठी तुमचं पुन्हा करायचंय
की एका बाजूला ह्या उत्सवाच्या आनंदाला आपण थोडंसं विरजण आणि दही दही हंडी म्हटल्यानंतर विरजण आलंच ते या निमित्त या वेळेला खरंच विरजण आलेलं त्याच्यात विरजण पडलेलं आहे आणि ह्याच दिवशी तुम्ही जनतेच्या उपयोगाचे मी तर म्हणेन जनतेचे प्राण वाचावेत म्हणून प्राणवायू निर्मितीचा प्लांट टाकला तो सुरू केला त्याच्याबद्दल तुम्हाला तमाम ठाणेकरांच्या वतीने मी खास धन्यवाद देतो. महाराष्ट्र के शिवसेना नेता व परिवहन मंत्री अनिल परब मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में हाजिर नहीं हुए. अनिल परब ने अपने वकील के माध्यम से ईडी को लेटर दिया है. अनिल परब का कहना है कि ईडी ने उन्हें समन क्यों दिया है और किस विषय पर पूछताछ करनी है ये स्पष्ट नहीं है, इसीलिए वे ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं. साथ ही उन्होंने ये लिखा है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम की वजह से वे पूछताछ के लिए नहीं आ सकते हैं. हाजिर होने के लिए अनिल परब ने 14 दिनों की मोहलत मांगी है. रविवार को ईडी ने अनिल परब को समन भेजकर मंगलवार को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा था. कहा जा रहा है कि 100 करोड़ की वसूली मामले में सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा एनआईए कस्टडी से लिखे गए पत्र के आधार पर अनिल परब को समन भेजा गया है. अनिल परब ने भी रविवार की शाम ही मीडिया से इतना कह दिया था कि उन्हें ईडी से नोटिस मिला है और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन पूछताछ की वजह नहीं बताई गई है. किस लिए बुलाया गया है यह नोटिस में नहीं लिखा है. बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी अब तक 5 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला चुकी है. देशमुख किसी भी समन में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए. इससे पहले कल सोमवार 30 अगस्त को अनिल परब की कुछ संपत्तियों पर ईडी ने छापेमारी की थी. अनिल परब के 3 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में छापेमारी की गई. पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से संबंधित होने की वजह से इन संपत्तियों पर रेड मारी गई. अनिल परब के एक नजदीकी आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे के नागपुर स्थित ठिकाने पर भी ईडी ने छापेमारी. नागपुर शहर में समाज कल्याण विभाग ने विविध पदों पर कार्यरत करीब 500 अस्थायी कामगारों को पिछले 9 महीने से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके लिए क्रिस्टल कंपनी जिम्मेदार है. इस विषय पर मंगलवार को शहर की भीम आर्मी संगठन द्वारा तिलक पत्रकार भवन में पत्र परिषद का आयोजन किया गया. शहर के तिलक पत्रकार भवन में भीम आर्मी द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान मांग की गई कि समाज कल्याण विभाग में कार्यरत 500 अस्थायी कामगारों के साथ बड़ा अन्याय किया जा रहा है, जिन्हें पिछले 9 महीनों से वेतन नहीं दिया गया. इस विषय पर सहायक आयुक्त से भीम आर्मी के पदाधिकारी मिले, जिसके बाद सामने आई कि इस पूरे मामले में इन कामगारों का शोषण करने वाली क्रिस्टल कंपनी जिम्मेदार है, जिसके चलते भीम आर्मी ने इन कामगारों के वेतन जल्द से जल्द देने की मांग करते हुए क्रिस्टल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग समाज कल्याण विभाग से की है. भीम आर्मी संघटनेच्या वतीने समाज कल्याण विरोधात आम्ही एक समाज कल्याण विभागाची जी कंत्राटी कंपनी आहे, क्रिस्टल कंपनी, या कंपनीच्या विरोधात जे पीडित कामगार आहेत यांनी आमच्याकडे तक्रार केली होती आणि त्या तक्रारीमार्फत आम्ही 30 ऑगस्ट 2021 समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त जे आपले बाबासाहेब देशमुख यांच्याशी संपर्क साधला, यांना निवेदन देण्यासाठी आमच्या भीम आर्मी संघटनेने घेराव घातला होता. त्या घेरावादरम्यान आमची सहायक आयुक्त यांच्याशी चर्चा झाली. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की आम्ही या कंत्राटी कामगाराची जे अडचणी आहे, जे 8 महिन्याचे यांचं पेमेंट देण्यात आलेलं नाही आहे, 18 महिन्याचं जे पीएफचे जे पैसे आहेत ते त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही आहे. कंत्राटी कामगारांना ज्या प्रकारचा त्रास या कंपनीने सुमारे 1 वर्षापासून दिलेला आहे, कोरोनाच्या काळामध्ये या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी परिश्रमाने या ठिकाणी काय केलेलं आहे की म्हणजे जीव ओतून समाज कल्याण वसतिगृह, शासकीय शाळा, निवासी शाळा आणि समाज कल्याण कार्यालय या ठिकाणी हाऊसकीपिंग, सिक्युरिटी गार्ड, ऑफिस क्लर्क यासारख्या मनुष्यबळाच्या पदावर या समाज कल्याण विभागात क्रिस्टल कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांनी तिथे काम केलेलं आहे. नागपूर येथील कमीत कमी 400 ते 500 कंत्राटी कामगार या कंपनीच्या मार्फत कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत, परंतु या 500 कर्मचाऱ्याचे 9 महिन्याचे थकीत वेतन यांनी दिलेले नाही आहे, सोबतच यांना 18 महिन्याचे पीएफ दिलेले नाही. त्यासाठी आमच्या भीम आर्मीच्या वतीने आम्ही सहायक आयुक्तांना भेटलो असता त्यांनी आम्हाला सांगितलं की आम्ही या कंपनीसोबत पत्रव्यवहार केला असता किंवा बोललो असता त्यांचं असं म्हणणं आहे की आम्हाला शासनाकडून. नागपुर में मंगलवार 1 सितंबर को 2 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं. वहीं आज मौत का आंकड़ा 0 पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है. वहीं आज 4710 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जहां 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं. तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार.